इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की एक कहानी बोलती है, पृथ्वी का लहू उबलकर बोलता है, राणा की जिंदा जवानी बोलती है। एक ऐसा ही जवान, एक ऐसा ही वीर सपूत, एक ऐसा ही भारत माता का लाल, जो राजगढ़ की धरती पर शहीद हुआ। शहीद तो हो गया, लेकिन अभी भी राजगढ़ की धरती पर, राजगढ़ की गलियों में उसके नाम का जयकारा सुनाई देता है। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो शहीद मनीष जी विश्वकर्मा को बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। और बड़ी सम्मान की खबर है, बड़ी ही गौरव की खबर है। आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि उनके सम्मान में शेयर जरूर कीजिएगा। तो शहीद मनीष जी विश्वकर्मा को लेकर एक अच्छी खबर है, एक बेहतरीन खबर है। और जैसा कि हमने कहा कि वो हमारे ज़िले का गौरव थे, हमारे ज़िले का सम्मान है और हमारे ज़िले की आन बान शान है। लोग शहीद मनीष जी विश्वकर्मा से सीखते हैं और जो जवान आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग उनसे सीख करके आर्मी में जाने के लिए प्रेरित होते हैं। और जिस तरह से पूरा ज़िला उनको अंतिम विदाई देने आया था खुजनेर में, आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से उनको अंतिम विदाई दी गई थी। एक बार और तस्वीरों में देख लीजिए, फिर खबर पर आते हैं। खबर ज़ोरदार है, इसलिए थोड़ा सा भूमिका बांधना चाहता हूँ और मैं आप सभी से एक बार फिर चाहता हूँ कि आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दरअसल शहीद मनीष जी विश्वकर्मा पर एक फिल्म बन रही है, एक मूवी बन रही है। और उस मूवी में कौन कौन किरदार रहेंगे, मूवी में कितना खर्चा होगा, मूवी में मेन रोल कौन करेगा, उनकी पत्नी का रोल कौन करेगा, उनके बड़े भैया का रोल कौन करेगा, बड़े भैया की पत्नी का रोल कौन करेगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मूवी कब रिलीज होगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हमारे शहीद पर मूवी बन रही है, हमारे धरती के लाल पर मूवी बन रही है, तो राजगढ़ को बड़ा गर्व होता है और हमारा राजगढ़ का चैनल बड़े सम्मान के साथ आप सभी को ये बताना चाहता है कि शहीद मनीष जी विश्वकर्मा की जो मूवी बन रही है उसमें लीड रोल में कॉमेडियन धर्मेंद्र बिलोटिया जी रहेंगे। कॉमेडियन धर्मेंद्र बिलोटिया जी जो हमारे ही ज़िले से बिलोंग करते हैं। और ये बड़ी देखने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी कि इतने सीरियस किरदार को कॉमेडियन धर्मेंद्र बिलोटिया किस तरीके से निभाते हैं। क्योंकि कॉमेडी की दुनिया से आकर फिल्मों की दुनिया में आना और वो भी एक शहीद का रोल निभाना, जो व्यक्ति पूरे राजगढ़ को ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को हंसाता है, वो धर्मेंद्र बिलोटिया शहीद मनीष जी विश्वकर्मा का रोल किस तरह से निभाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और हम पूरा ज़िला बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है इस मूवी का। और हम अब एक एक करके लीड रोल आपको बताते हैं कि धर्मेंद्र बिलोटिया के साथ उनकी पत्नी का रोल कौन करेगा और किस तरीके से उनका पूरा कास्टिंग और उनकी डायरेक्टिंग कौन करेगा और कौन कौन किरदार इसमें रहेंगे। तो दरअसल धर्मेंद्र बिलोटिया जो है वो लीड रोल रहेगा, यानी कि मनीष जी का रोल धर्मेंद्र बिलोटिया जी निभाएंगे। मान्या भटनागर भोपाल की कलाकारा है और ये लीड रोल करेगी धर्मेंद्र बिलोटिया के साथ, यानी कि मनीष जी की पत्नी का किरदार ये निभाएंगी। मनीष जी के बड़े भाई का रोल शैलेंद्र सिंह राजपूत या फिर लक्की चौहान, इन दोनों में से एक निभा सकते हैं। दोनों के फोटो स्क्रीन पर डाल देते हैं। भाभी जी का रोल, यानी कि जो मनीष जी की जो भाभी थी उनका रोल रागिनी निभाएगी। मनीष जी के पापा का रोल गजराज सिंह चौहान, मम्मी का रोल जो निभाएंगे वो अनुपमा श्रीवास्तव जी हैं। मनीष जी के दोस्त पुरुषोत्तम पाटीदार जो कि धार जिले के कलाकार हैं, रोहित सिंह राजपूत भी मनीष जी के दोस्त का किरदार निभाएंगे। और सुरेश रजक ये भी मनीष जी के दोस्त के किरदार के रूप में दिखेंगे। सुरेश रजक को आपने कई सारे टीवी सीरियल पर देखा होगा, बहुत ही जाना माना नाम है और हमारे राजगढ़ ज़िले के कलाकार हैं। तो काफ़ी सारी ये इनकी कास्टिंग रहेगी। और इनके अलावा भी लगभग 150 लोग रहेंगे फिल्म में, मतलब कि छोटे छोटे किरदार करके लगभग 150 लोग इस फिल्म में एक्टिंग करेंगे। और किस तरह से उनकी शहीदी हुई है, उनकी शहादत हुई है, ये इस मूवी में बताया जाएगा। हम अभी से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि क्या क्या इस मूवी में दिखाया जाएगा आपको। तो यही है कि इंटरेस्टिंग रोल धर्मेंद्र बिलोटिया निभा रहे हैं।
कॉमेडियन के रूप में अभी तक आपने देखा था, लेकिन उनको मनीष जी के रूप में देखने की ललक है सभी में। देखना चाहते हैं कि धर्मेंद्र बिलोटिया जी इतने सीरियस रोल को किस तरह से निभाते हैं, और जितने भी कलाकार हैं वो किस तरह से शहीद मनीष जी विश्वकर्मा को मूवी में दिखाते हैं, क्योंकि हमारे शहीद रहे हैं मनीष जी विश्वकर्मा। छोटी सी उम्र में इस दुनिया से भले ही चले गए, लेकिन हमेशा के लिए अमर भी हो गए हैं। खुजनेर की धरती ही नहीं, राजगढ़ की धरती ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश उनको सम्मान के साथ जानता है। और मैंने खबर चलाई थी अभी बीच में, उसके बारे में बताता हूँ कि अभी उनके परिवार ने ब्लेम भी किया था कि उनकी पत्नी जी पर कई सारे आरोप भी लगाए थे, वो खबर मैंने प्राथमिकता से दिखाई थी। तो ये भी देखने वाली बात रहेगी कि उनकी पत्नी जी को क्या एक अलग किरदार में मूवी के जो डायरेक्टर है वो डाल सकते हैं, क्या उनकी असलियत जो है वो जनता के सामने दिखा सकते हैं मूवी के डायरेक्टर, या फिर केवल पत्नी के रूप में ही उनको दिखाएंगे। और जब तक शहीद मनीष जी विश्वकर्मा का जो जीवन था, मैंने उनके, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन उनके फिल्म की टीम के एक सदस्य से बात की है, तो उन्होंने बोला कि वो जहाँ तक शहीद, जब शहीद हो गए थे वहीं पर उनकी जो मूवी है वो ख़त्म हो जाएगी, और 2.5 घंटे की ये मूवी रहेगी। अब इसकी तारीख बता देते हैं आपको, आने वाली 26 जनवरी को ये मूवी आ सकती है। आ सकती है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है बनाने में, थोड़ा सा चीज़ें भी अभी गड़बड़ा गई थी, बीच में त्यौहार के दिन आ गए थे तो शूटिंग रुक गई थी, लेकिन कोशिश करेंगे ये लोग कि 26 जनवरी तक ये मूवी आ सकती है। और लगभग 4 से 5 गाने इस मूवी में डाले जाएंगे, यानी कि गाने भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी कलाकार को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, धर्मेंद्र बिलोटिया जी को शुभकामनाएं हैं कि वो इस रोल को संजीदगी से निभाएं, क्योंकि हमारा सम्मान है मनीष जी विश्वकर्मा। हम देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से जंग में शहीद हुए थे, पूरा जिला देखना चाहता है। तो सभी कलाकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। इसलिए हम हमारे जो शहीद मनीष जी विश्वकर्मा हैं उनके सम्मान में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनकी फिल्म का प्रमोशन हो सके, अच्छे से लोग देखें और फिल्म को भी देखें, ना केवल इस वीडियो को, फिल्म जब आएगी तब उसको भी देखना है आप लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।